हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं देवासी साहब, सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और अभी इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। आज है 7th of February और मैंने ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट बुक कर चुका है। तो दोस्तों, ये आज का जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड 3500 ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा है। तो आज जो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अभी के अभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है, ठीक है। और आज टेलीग्राम में मैंने दिया हुआ था एस बी आई एन का दिया हुआ था, लेकिन उसमें छोटा सा प्रॉफिट मेरा बुक हुआ। एस्कॉट्स का काफ़ी अच्छा गया था, अराउंड 100 क्वांटिटी। अगर इसका मैं डिटेल में जाऊँ, आप देखिए विथ 100 क्वांटिटी, देखिए 100 क्वांटिटी में हमने 814 यानी कि 8 पॉइंट का प्रॉफिट जो है बुक किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ICICI टुलिप का मैंने लिया हुआ था, इंटरडे बेसिस पे मैंने लिया हुआ था एक लॉट में मैंने इसका डालते हैं, थोड़ा इन्फो में जाते हैं। ओके, देखिए 1500 क्वांटिटी रहता है एक लॉट में, और इसमें जो है 3225 रुपये का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। हम लोगों ने बाय किया था 1845 पे और एग्जिट किया 20.10 पे, ठीक है दोस्तों। आज फ्राइडे है तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा टारगेट किया नहीं है, और बैंक निफ्टी में भी छोटा सा प्रॉफिट 466 का बुक किया हुआ है, बस एक लॉट में 466। और ये निफ्टी का जो है, देखिए ये एक पी लिया हुआ है, एक सी लिया हुआ है, इसको मैंने एक्चुअली स्ट्रेडलर किया हुआ है। सो ये अभी कंटिन्यू रहेगा फॉर द नेक्स्ट वीक, और जो है नेक्स्ट वीक यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। सो आज का प्रॉफिट 3494 पकड़ के चलिए, 3500 करीबन जो है हमारा आज का प्रॉफिट है। उसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं लॉजिक पकड़ने की कोशिश करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट बाय किया हुआ था और एक ही कैंडल में जो है मैंने अपना एग्जिट कर लिया। आई थिंक बैंक निफ्टी कैन मूव यू नो मोर, एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दे सकता है अभी के अभी। और इधर SBIN में जो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने बाय किया हुआ था ओनली 300 क्वांटिटीज़, एंड 300 क्वांटिटी में से मैंने 165, एक छोटा सा प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ था। ICICI टुलिप जो था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स, इसको मैं दरअसल आपको समझाना चाहता हूँ। इसका जो लॉजिक था आज का ट्रेडिंग के लिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा था, इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा छोटा जो है क्वांटिटी में ट्रेड किया हुआ है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी, एक लॉट यानी कि 1500 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया हुआ था। इसके पीछे रीज़न था, रीज़न क्या था दोस्तों, ये पकड़ने की, देखिए ICICI टुलिप अभी भी ये इतना अच्छा मूवमेंट दे रहा है। सो बेसिकली देखिए, ये हमेशा जो है एक यहाँ पर देखिए, ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, राइट। तो ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या हुआ था कि यहाँ पर हमने पोजीशन बनाया ऑलमोस्ट, यहाँ पर जैसे ही इस वाले पोजीशन को इसने काटा, हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया एंड यहाँ पर इसको हमने एग्जिट किया। जैसे ही इसने अपना रेजिस्टेंस को, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने काट दिया, देन वी एग्जिटेड। लेकिन अगर इसको कोई अगर सस्टेन करता है, अगर यहाँ पर भी ये सस्टेन करता है तो भी इसका पोटेंशियलिटी है ये 508-509 तक का भी दिखाए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, फ्राइडे में जब आप इंट्राडे करते हो तो बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है, कोई रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता रिस्क लेने का इसमें, ठीक है। सो अभी तो मैंने ऑलमोस्ट सारा पोजीशन निकाल लिया है और इसमें कुछ है नहीं अभी दिखाने लायक। कल का तो मैंने प्रॉफिट जो है बुकिंग, कल हमने अराउंड 18,000 का प्रॉफिट बुक किया था, वो तो मैंने आपको दिखाया हुआ है। आज का 3,500 का प्रॉफिट है। सो हमारा जो लाइट प्रोग्राम है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, होपफुली फ्रॉम 10th of February यानी कि मंडे से। तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जो हमारा लाइट प्रोग्राम है उसका भी जो है वीडियो मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। तो दोस्तों, जो कल या परसों हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं, कुछ ट्रायल्स करेंगे, ताकि जब हम लोग मंडे से इसको रियल टाइम हम लोग ट्रेडिंग करें एक रियल टाइम एनवायरमेंट में, तो कोई भी दिक्कत का सामना हमको करना ना पड़े, ठीक है दोस्तों। सो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फ्री जो हमारा रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, तो हम लोग मंडे से साथ में ट्रेडिंग करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।